सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में यार मैं सिंपली आपको टॉप 10 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि एक हॉस्टलर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आई थिंक यहाँ पे जितने बहुत सारे बच्चे होंगे वो होंगे जो कि यार हॉस्टल में जाने वाले हैं, कभी हॉस्टल में वो रहे नहीं है, राइट? तो उस सिचुएशन में जब हॉस्टल जाने वाले होते हो तो थोड़ी सिचुएशन दिमाग में हल्की सी उथल पुथल हो जाती है कि हमें क्या चीज़ें रखनी है, सारी चीज़ें रखी हैं कि नहीं रखी हैं, राइट? तो आपका काम आसान करने के लिए, चूंकि मैं हॉस्टल में रह चुका हूँ, मैंने कुछ ऐसी लिस्ट बनाई है टॉप 10 थिंग्स की कि आपको ये वाली चीज़ें बिल्कुल एंश्योर करनी कि हो ही हो। अब यार मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ ये वाली वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैंने इसमें जितनी भी लिस्ट में जो चीज़ें मैंने लिखी हैं वो कुछ ऐसी लिखी हैं कि कुछ जितने थोड़े बहुत जो आइटम हैं वो डिपेंड कर सकते हैं आपके लोकेशन के ऊपर, राइट, या आपकी कंडीशन के ऊपर। तो जितने भी वो चीज़ें हैं वो बीच बीच में आती रहेंगी, तो मैं आपको एंड में पूरा क्लियर कर दूंगा कि आपको क्या चीज़ें तभी ले जानी है जब आप वहाँ पे थोड़ा सेट हो जाओ, आराम से देख लो क्या आपका एनवायरनमेंट है, कैसा माहौल है। लिस्ट को मैंने कुछ ऐसे बनाया कि जितनी भी स्टार्टिंग की चीज़ें उनकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, नीचे आते 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 उनकी प्रायोरिटी कम होती जा रही है जितने और आइटम्स आ रहे हैं, राइट? तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी, स्पेशली जितने भी लोग हैं जो कि पहली बार कॉलेज में जा रहे हैं। सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट, एक बहुत बढ़िया आपकी ज़िंदगी शुरू होने वाली है। सो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको डेफिनेटली इंश्योर करनी है कि आपके पास वो हो, अच्छी कंडीशन में हो, वर्किंग कंडीशन में हो। नहीं है तो भाई किसी से मांगो, चुराओ, खुद पैदा करो, लड़ाई करो, कुछ भी करो, लेकिन वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। वो है एक हेल्दी ब्रेन, राइट, माइंड। आई नो इट्स अ पुअर जोक, आप इसको कह सकते हो कि भाई क्या बोल रहे हो, लेकिन अभी लिस्ट पे आऊँगा मैं। लेकिन मैं आपको एक जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप जैसे हॉस्टल में जाते हो आपको कुछ ना कुछ ऐसे आसपास ऐसी लोग दिखने वाले हैं जिनको आपको देखते ही पता चल जाए कि इसके पास इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत होशियार हूँ या मैं ऐसे इन्वायरमेंट बनाऊँ कि यहाँ पर बहुत होशियार लोग रहे हैं, लेकिन मैं आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। उसमें होता क्या है यार, ऐसे जब बच्चे हॉस्टल में आते हैं तो उनको बुली करा जाता है, उनको परेशान करा जाता है, उनको अवॉइड करा जाता है, उनको मजाक उड़ाया जाता है, राइट? आप समझ पा रहे हो, ऐसे हमें कुछ टाइप के स्टूडेंट्स जो हैं देखने को मिल जाते हैं। ऑल दो ये बहुत रेयर सिनेरियो होता है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि अब जब जाओ आपको अपना माइंड प्रिपेयर करना है, आपको कोई उल्लू ना बना पाए, आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए, राइट? आपको दबाने की भी कोशिश ना हो। ऑल दो यार ये कोई डरने की चीज़ नहीं है, ऐसे होती नहीं है, राइट? आई थिंक यहाँ पे जितने भी लोग हैं काफ़ी स्मार्ट एनफ हैं, तो जस्ट मैंने आपको ऐसी कन्फर्मेशन दे दी है। तो शुरू करते हैं अपनी लिस्ट को। सबसे पहली चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि आपकी लिस्ट में हो जो कि मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक इलेक्ट्रिक केटल, राइट? इलेक्ट्रिक केटल एक ऐसी केटल जिसमें आप पानी वगैरह गर्म कर सकते हो। ऑल दो पानी वाली से प्लास्टिक की भी आती हैं, आपकी एक स्टील या मेटल की भी आती हैं जिसमें आप दूध वगैरह आपने गर्म कर लिया, या आपने कभी कभी मैगी बनाने का, अगर आप मैगी खाते हो तो आपको मैगी वगैरह नूडल्स बनाने का मन हुआ, लेकिन आपको मेटल वाली में एक और जो चीज़ इंश्योर करनी है वो ये है कि यार उसको साफ भी आपको ही करना पड़ेगा। तो अगर आप मैगी वगैरह बना रहे हो, अनलेस एंड अंटिल आपको वॉल ट्रिक आती है कि भाई किस तरह उसकी वॉल्स पे वो मैगी चिपके नहीं, उसके बेस पे ज़्यादा स्टिक ना हो मैगी का जो भी उसका मटेरियल है, तो इट्स वेल एंड गुड। बट अगर आपको नहीं आता है तो आई थिंक वो आपके ऊपर है कि आपको वो ले जानी है कि नहीं ले जानी है, वो आपको अपनी कंडीशन पे देखना है। बट आई थिंक केटल की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है सुबह सुबह अगर आपको पानी पीने की आदत है, या हल्का थोड़ा सा भी आपको पानी अगर गर्म करना है, तो इट रियली फील्स वेरी हेल्पफुल। दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा, हो सकता है बहुत से लोग इसका मजाक उड़ाएं, बहुत से लोग सोचें इसकी जरूरत नहीं है, वो है यूटेंसिल्स, बर्तन। आपको इंश्योर करना है कि आप ज़्यादा नहीं बट अच्छे खासे बर्तन लेके जाओ, 2-3 ग्लास हो गए, कॉफ़ी के मग हो गए, प्लेट्स वगैरह हो गई, स्पून्स हो गई, इन सब चीज़ों की लिटरली ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमें क्या लगता है अगर घर पे हमसे कोई कहता है कि यार बर्तन लेके चले जाओ, लेके चले जाओ, हमें थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, क्योंकि हमारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है कि अभी हम ऐसे रहने गए नहीं अकेले, राइट? लेकिन ट्रस्ट में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, चाहे आपकी मैस हो, कुछ भी हो, मैस से आई सपोज कि आप कुछ चुराना पसंद नहीं करोगे, तो अगर आपके घर वाले भी आपसे कह रहे हैं कि यार ये सब थोड़े बहुत बर्तन वगैरह लेके चले जाओ, आपको हंसी सी आ रही है कि इनकी क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, बट ट्रस्ट मी हॉस्टलर्स को इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। छोटी कटोरी हो गई, बाउल टाइप की हो गई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, राइट? तो आप इंश्योर करना कि आपका एक यूटेंसिल्स का अच्छा खासा वहाँ पे कलेक्शन हो। हमारे लिटरली यार एक मेरा पूरा सेपरेट सेक्शन था अलमारी में, इसमें हमारे बर्तन ही टाइप से रखे हुए होते थे, राइट? इतनी बड़ी बास्केट थी, उसमें सब तरह के बर्तन थे, आपके फ्राइंग पैन भी मिल जाते थे, राइट? वो सब हमारा रहते थे। तीसरी चीज़ जो मैंने अपने लिस्ट में इंक्लूड करी है वो है आपके बेड आइटम्स, राइट? या बेड रिलेटेड थिंग्स, फॉर एग्जांपल आपकी बेड शीट्स हो गई। अगर आपका हॉस्टल ऐसा है कि आपको गद्दे वगैरह प्रोवाइड कर रहा है या पिलोज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, राइट? जैसे कि हमारे यहाँ था, हमारे पिलो भी हैं और हमारे यहाँ बेड शीट्स भी हैं, हमारे यहाँ गद्दे भी प्रोवाइड करे गए हैं, हमारे ब्लैंकेट भी प्रोवाइड करे गए हैं, तो मुझे कुछ ऐसे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट घर की भाई चादर की अलग ही बात होती है, घर के तकिए कवर की भाई अलग ही बात होती है, तो आपको बिल्कुल इंश्योर करना है कि ये वाली चीज़ बिल्कुल हो ही हो, और आई थिंक ये बहुत कॉमन है, आपने रखी ली होगी। चौथी चीज़ मैं मानता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है साबुन, सोप्स, हर तरीके के सोप्स, सिर्फ और सिर्फ नहाने के नहीं, आपके नहाने के, आपके टॉयलेट के, आपके कपड़े धोने के, आपके बर्तन धोने के, राइट? जितने भी सोप्स भाई आप जानते हो वो सारे के सारे रख लो,
क्योंकि सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पे बहुत से सोचेंगे यार बर्तन धोने के साबुन, कपड़े धोने के साबुन, भाई ये चीज़ मैंने आज तक करी नहीं है। तो यार आई बिलीव कि अगर आप हॉस्टल में जाते हो तो हॉस्टल आपको स्पेशली इन्हीं चीज़ों के लिए ट्रेन कर देगा कि आपको किस तरह अपने बर्तन धोने हैं, किस तरह अपने कपड़े धोने हैं। और मैं चाहता हूँ ये चीज़ यार सभी बच्चों को आनी चाहिए, एटलीस्ट अपनी तो चीज़ें आनी चाहिए कि आप अपना खाना बना पाओ, अपने बर्तन वगैरह, अपने कपड़े वगैरह धो पाओ, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी। अब यार अगर बर्तन की बात करो, आप कह सकते हो कि हाँ मेरे पर्सनल बर्तन हैं, कुछ दो तीन हैं, उनको मैं धो सकता हूँ आराम से और वो मुझे ही धोने पड़ेंगे, मैं किसी को दे नहीं सकता। लेकिन अगर आप कपड़ों की बात करो, आपको मैं अपनी प्राइवेट लॉन्ड्री लगवा सकता हूँ, या जैसे कि हमारे हॉस्टल में एक हमारी लॉन्ड्री आती है स्पेशली, वो कपड़ों के लिए आती है, अपने कपड़े दो वहाँ पे वो धुल के वापस आते हैं। उसमें एक चीज़ क्या होती है यार, अनलेस एंड अनटिल आप उस लॉन्ड्री को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, उसमें कई बार कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, किसी के कपड़े यार इधर उधर मिसप्लेस हो जाते हैं, कभी कुछ छेद बना आ जाता है किसी के ऊपर, कुछ उनका वॉश गिर जाता है या इंक टाइप से कुछ भी हो जाती है, तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इस चक्कर में हम जो हैं, हम लोग क्या करते थे, अपने जितने भी अच्छे कपड़े थे वो उनको नहीं देते थे, क्योंकि हमें उतना ट्रस्ट नहीं होता था। हो सकता है कि यार अगली बार ये शर्ट फटी हुई आ जाए, हो सकता है ना मिले, हो सकता है इस पर कुछ टाइप का दाग वगैरह लग जाए, राइट। तो यार आपको अपने थोड़े बहुत कपड़े खुद धोने पड़ते हैं जो कि अच्छे आपके कपड़े हो गए, राइट। तो आई थिंक इसमें कोई हैरान की बात नहीं है, इसमें कोई हंसी की बात नहीं है, इसमें कोई मजाक की बात नहीं है। अपने कपड़े भाई भाई कितने भी मॉडर्न हो जाओ, अपना काम करना तो भाई आना ही आना चाहिए, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ आइटम जो मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट पड़ने वाला है, वो है एक इंडक्शन, राइट। अगर आप एक इंडक्शन रख लेते हो तो मुझे लगता नहीं कि आपको एक केटल की इतनी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, बट केटल अपनी जगह, उसे पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, अपना आसानी से गर्म हो जाता है। इंडक्शन से होता क्या है यार, आपको मतलब सारी चीज़ें मिल गई ना, अगर आप इंडक्शन रख लोगे आप अपने मन के राजा हो गए, आप जब चाहो कुछ बना लो, राइट। अगर आप जिम वगैरह को ज्वाइन करते हो तो उसमें आप अपनी कोई एग की डिश बना सकते हो, एग आप बॉयल कर सकते हो, ब्रेड के साथ खा सकते हो, उसमें आप दूध को बॉयल कर सकते हो, फ्राई पैन खरीद सकते हो, उसमें कुछ भी आप बना सकते हो, राइट। तो आई थिंक इंडक्शन इज़ वन ऑफ द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको रखनी चाहिए। लेकिन ये उन्हीं आइटम में से एक है जिसकी मैंने पहले बात करी थी, ये चीज़ें आपको तभी ले जानी है जब आप वहाँ पे सेट हो जाओ, आराम से देख लो आसपास का कैसा माहौल है, मुझे कोई अलाउ कर भी रहा है ये चीज़ रखने को कि नहीं, उसके बाद आप डिसाइड करना। सो अवर सिक्स्थ आइटम इज़ एन आयरन प्रेस, जिससे आप अपने कपड़े प्रेस कर पाओ। बाद में क्या होगा, आपकी यूनिफॉर्म वगैरह आ जाएंगी, राइट। हमारे फर्स्ट ईयर में क्या था कि हम कैजुअल्स पहन सकते थे, फर्स्ट ईयर फ्रेशर्स को थोड़ी छूट होती है कि आप फ्रेशर वगैरह पहन सकते हो, लेकिन जैसे आप बड़े होते जाते हो आपको ऐसी शर्ट्स पहननी पड़ती हैं, इनको आप ऑब्वियसली आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो आई थिंक आयरन इज़ अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑल दो आपके हो सकता है फैसिलिटीज़ वगैरह हों, वो ये चीज़ें हम ना डिपेंड वाली आ गई कि आप वहाँ पे देखो, डिपेंड करती हैं। हो सकता है आपका कोई प्राइवेट आप किसी को लगवा लो कि भाई मेरे कपड़े प्रेस करके धो के दे दो, तो उस चीज़ में आपका केस अलग हो सकता है, लेकिन मेरे में ऐसा नहीं है, तो यार मुझे आयरन की ज़रूरत पड़ती है। सेवन्थ आइटम है एक हीटर या आपका कूलर। हीटर इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा कि आप महंगे वो बड़े वाले जो हीटर टाइप से आते हैं वो नहीं कह रहा, हीटर इन द सेंस आप ब्लोअर कह सकते हो। मेरे कॉलेज में, मेरे हॉस्टल में भाई ब्लोअर है, राइट। वो अलाउड भी है, ऐसी कोई उसकी दिक्कत वगैरह नहीं है, छोटा सा आता है, इतना छोटा सा आता है, आपको यहाँ पे इमेज भी दिख रही होगी। अब उसमें क्या होता है यार, अब आप उसकी हीट का मोड जो है ऑफ कर दो तो भाई वो फैन बन जाता है, राइट। एंड वो इतने ज़्यादा पोर्टेबल होते हैं कि आप उसको कहीं पर भी रख लो, कभी वहाँ पर रख लिया, कभी उस कोने में खिसका लिया, वो बहुत आसानी से पड़ता है। मैं ही नहीं कह रहा कि आप बड़े बड़े कूलर टाइप से कुछ रख लो, मैं उसकी बात बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, या बड़े बड़े फैन टाइप से रख लो जो आपको शादी पार्टी इन सब में देखते हैं, ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आपका ऐसा हॉस्टल अलाउ नहीं करता हो तो, जो कि आई थिंक बहुत से हॉस्टल नहीं करते होंगे, तो ये छोटे वाले कूलर है, इसको आप बेड पर रख लो, इसको आप स्टूल पर रख लो, उसको चेयर पर रख लो, उसको टेबल पर रख लो, बहुत पोर्टेबल होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, हीटर का भी काम करते हैं, आपका फैन का भी काम करते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एट्थ आइटम जो मैं मानता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, वो है एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक रॉड, राइट। अगर आपके हॉस्टल में गर्म पानी की इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, या वहाँ पे पानी कभी आता है कभी नहीं आता है, तो आई थिंक इलेक्ट्रिक रॉड की जरूरत पड़ने वाली है। ऑल दो ये चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं, लेकिन कुछ बच्चे रखते हैं। मेरे हॉस्टल में क्या है कि हमारा अपना खुद का गीज़र है, तो आप 24 घंटे गर्मी हो सर्दी, आप कभी भी गीज़र ऑन कर सकते हो, आप वहाँ से गर्म पानी ले सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे यार जिनका दिक्कत होती है, जिनके हॉस्टल थोड़े अलग होते हैं, तो उनमें यार ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिक रॉड वगैरह की। नाइन्थ थिंग जो कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल करने वाला है, वो है यार एक एक्सटेंशन बोर्ड। एक्सटेंशन बोर्ड ट्रस्ट में अगर आपने नहीं रखा, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं लिटरली छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ, बड़ी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं वहाँ पे जब आप रहते हो। एक्चुअल में आपको पता चलता है इन छोटी छोटी चीज़ों की क्या वैल्यूज़ है। एक्सटेंशन बोर्ड प्लग्स आपको भाई इतने ज़्यादा मिलने नहीं वाले हैं, राइट। अगर आपका सिंगल रूम है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बट अगर आप एक एक्सटेंशन बोर्ड खरीद लेते हो, उसको सिंपली लगाओ, उसमें चार पांच प्लग्स होते हैं, हमने बेड के साइड में रखो, फोन लगाओ चार्जिंग पे, आप फोन चार्जिंग चला सकते हो, लैपटॉप खराब चला सकते हो, कुछ भी चला सकते हो, राइट। आप समझ गए होंगे एक्सटेंशन बोर्ड की कितनी ज़्यादा जरूरत वहाँ पर पड़ने वाली है। टेंथ आइटम जो मैं मानता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई डोंट नो मैंने इसको लिस्ट में नीचे क्यों रखा है, शायद मुझे ये चीज़ अभी याद आई कि वह चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक स्टडी टेबल, राइट। हो सकता है आपके कमरे में स्टडी टेबल इतनी ना हो, अगर आपका 3 सीटर का रूम है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें हर एक बच्चे के लिए एक अलग अलग बेंच हो, ऐसा कई बार नहीं होता है। हमारे मेरे हॉस्टल में क्या है, 3 बेड हैं लेकिन स्टडी टेबल एक है,
वो अलग बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती है क्योंकि हमारे सबके पास एक स्टडी टेबल है, हम बेड पे रख के आराम से भाई कभी मनो स्टडी टेबल रखी, कुछ भी उस पर करा, राइट, उस पर खाना खाओ, उस पर आप लैपटॉप चलाओ, उस पर आप पढ़ाई करो, जो करना है करो, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प आपको करने वाली है। आराम से बेड में बैठ के, अगर आपके ठंड का मौसम है, आराम से रजाई में आप बैठे, लगाई टेबल, अपना काम करा, अपना असाइनमेंट करा, वगैरह वगैरह। इसके बाद जो चीज़ें बचती हैं आई थिंक वो बहुत कॉमन है। फॉर एग्जांपल आपके टेबल लैंप वगैरह हो गए, टेबल लैंप हो गए, मेडिसिन हो गए, ब्लूटूथ स्पीकर, अगर आपको लगता है, आई थिंक ब्लूटूथ स्पीकर बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल चीज़ है तो आपको आई थिंक वो रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी मन होता है हमें पागलपंती करने का, तो ब्लूटूथ स्पीकर बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं। जो मैंने यार इस लिस्ट में जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हैं, मैंने ये सोच के लिखी हैं कि ये वाली सारी चीज़ें हर किसी बच्चे को ज़रूरत पड़ने वाली है, भाई चाहे उसके पर्सनल इंटरेस्ट कैसे भी हों। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे हैं। फॉर एग्जांपल आपके ब्लूटूथ स्पीकर हो गए, रखने के नहीं रखने आपके ऊपर है। टेबल भाई अगर आपको नहीं रखनी भाई मत रखो, राइट। लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में जितनी चीज़ें कवर करी हैं वो आई थिंक डेफिनेटली हर एक बच्चे को रखनी चाहिए, ऑब्वियसली वो ज़रूरी है। और जो चीज़ें आ गई वो आ सकती हैं भाई क्लिप्स वगैरह, राइट, जिसमें फॉर एग्जांपल आप कपड़े अपने सुखाते हो तो आपको कुछ क्लिप्स चाहिए इनको रोकने के लिए, तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हवा से आपके उड़ जाएंगे भाई, फिर मिसमैच होता है, हो जाते हैं किसी के, तो काफ़ी आई थिंक बहुत अजीब लगेगा कि किसी का कोई कपड़ा आपके पास आ गया, आपका कपड़ा उधर चला गया, फिर आप ढूंढ रहे हो मेरा कौन सा है, इसका कौन सा है, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आपको यार छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर इनको रखना। एक और जो चीज़ आ सकती है वो आपकी आ सकती है वॉल हैंगिंग के जो होल्डर होते हैं, कि आपने उसको लगा दिया, स्टिक हो गया, वो गम से स्टिक हो जाते हैं, एंड उस पर आपने अपने कपड़े टांग दिए, कुछ सामान टांगने में सामान वगैरह टांग दिया, राइट। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं यार जो कि आपको तभी ले जानी है जब आप वहाँ पे आराम से सेट हो जाओ, वहाँ पे आप एनवायरनमेंट देख लो, वहाँ पे आपके वार्डन अलाउ कर रहे हैं कि नहीं, अगर आप चोरी छिपे रख सकते हो तो रखो, आपके दोस्त वगैरह कैसे हैं, राइट, ये सारे फैक्टर्स पे कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल आपका इंडक्शन, मैंने बताया इंडक्शन एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी बच्चे आपसे मांगने आएंगे, अगर आप मेज रहे हो मुँह पे मना कर देते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इंडक्शन यस आपको बच्चे मांगने आते हैं। इलेक्ट्रिक रॉड आपसे यार कुछ बच्चे मांगने आएंगे, और बच्चे अगर नहीं भी मांगे तो यार कुछ चीज़ें अलाउड नहीं होती, तो आपको देखना है कि आप इनको रख भी पाते हो कि नहीं, चेकिंग वगैरह तो नहीं होती है। आयरन वगैरह हो गई, राइट, और आपके केटल वगैरह हो गए, कुछ हॉस्टल में भाई केटल भी अलाउड नहीं होती, तो आपको ये चीज़ें इंश्योर करनी है कि आप किस तरह रख रहे हो इन चीज़ों को। तो ये कुछ चीज़ें हैं यार, हीटर वगैरह हो गया, कूलर वगैरह हो गया, इंडक्शन आ गया, सारी चीज़ें आ गई हैं इसमें। बर्तन वगैरह कोई आपको मना नहीं करेगा, आप आराम से रख सकते हो। जो भी आप देखते हो, जो भी हैवी अप्लायंसेज हैं उनको आपको थोड़ा सा पर्टिकुलर रहना है कि यार मैं ये वाले ऐसे कुछ चीज़ें ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं, राइट। अगर आप ब्लूटूथ स्पीकर इन सब की बात करो तो आई थिंक टेबल की बात करो तो ये सभी के पास है आज की डेट में, ब्लूटूथ स्पीकर सबके पास होगा, हेडफोन सबके पास होंगे, टेबल सबके पास होगी पढ़ने के लिए, राइट, ग्रूमिंग की थिंग वगैरह भी सबके पास होंगी, बहुत से बच्चे नहीं रखते हैं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप जा रहे हो तो अपनी बिल्कुल ऐसी तैयारी के साथ जाओ कि आपको किसी से भी किसी की भी कोई भी चीज़ उधार मांगने की जरूरत ना आए। ये मत सोचना कि यार मेरा टॉयलेट का साबुन तो मैं उससे शेयर कर लूँगा, नहाने का साबुन इससे कर लूँगा, शैम्पू मैं उससे शेयर कर लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना, प्लीज़ आपके पास अपनी खुद की चीज़ें होनी चाहिए। तो आई थिंक यार मैं इस लिस्ट में और ज़्यादा डीप नहीं गया हूँ, मैंने जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं एक हॉस्टल की ज़िंदगी में, वो मैंने सारी चीज़ें आपके कवर कर दी हैं। मैंने सिंपली लिस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन आपको कर दी हैं कि आप पहले वहाँ पे जाना, सेट होना, एक दो सेमेस्टर वहाँ पे रहना, फिर देखना कि आप ये चीज़ें अफोर्ड भी कर सकते हो कि नहीं। तो आई थिंक आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी, हेल्प हुई हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर इस वीडियो से मेरी कुछ मैं कुछ ऐसी चीज़ कर रहा हूँ लोगों की हेल्प हो रही है तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, राइट, और मेरी वीडियोज़ आप चेकआउट कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चूंकि मैं कॉलेज में हूँ तो मैं आप कोशिश करूँगा जितना मेरा कंटेंट हो थोड़ा कॉलेज रिलेटेड कंटेंट आए, राइट, तो इसमें और मज़ा आएगा कंटेंट मुझे भी डालने में, आप लोगों को भी देखने में। तो आई थिंक ये लिस्ट ने आपकी हेल्प करी होगी कुछ, अगर मैंने कोई आइटम छोड़ दिया तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन कर दो, मैं उनको पिन कर दूंगा ताकि जो दूसरे बच्चे देख रहे हैं उनको चीज़ वो दिख जाए और वो उसको रखना ना भूलें, राइट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, अगली वीडियोज में बहुत जल्द मिलते हैं, राइट, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर कॉलेज लाइफ, राइट, एंड हॉस्टल लाइफ टू, बाय बाय।